हमारे गठबंधन की सरकार इसलिए आज मजबूत होके ठहरी है। ये देखकर मोदी जी को जरा, मोदी जी तो घबरा गए हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत उनके नाम से नहीं हूं, मैं पहले ही बोला कि हमारी आइडियोलॉजिकल फाइट है और विचारधारा का जब लड़ाई होती है तो हम जो आपके विचार गरीबों के साथ है हम, और मोदी जी अमीरों के साथ है ना, अमीरों के साथ है, हम गरीबों के साथ है। इसीलिए नरेगा स्कीम हमने लाया या नहीं लाया, और इसीलिए हमने खाद्य का आर धान्य का हमने गारंटी दी, फूड सिक्योरिटी लाया कि नहीं लाया? जोर से बोलो, तुम्हारे में ताकत नहीं है। अरे ये फूड सिक्योरिटी अगर नहीं होती, लोग आज तक भूखे मर जाते थे, कोविड में तो खत्म होते थे। इसने क्या किया, 5 किलो देकर मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिला रहा हूं। अरे भाई, 35 किलो देकर मैं यहां बैठा हूं, तुम 5 किलो की बात कर रहे हैं? हा? और बोल रहे ये मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है भाई, मुमकिन क्या है? महंगाई मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, पेट्रोल महंगा हो गया ये मुमकिन है, गैस महंगा हो गया ये मुमकिन है, डीजल महंगा हो गया ये मुमकिन है, किसानों की फर्टिलाइजर महंगी हो गई ये मुमकिन है, और उसी तरह से जीएसटी डालकर हमारे मजदूरों को, हमारे किसानों को तंग करने वाले मोदी सरकार है। ये मोदी जी आप है तो ये सब मुमकिन है। अगर हमारी सरकार आएगी, गठबंधन सरकार बनेगी, जितने भी किसानों पर टैक्स है, वो चाहे ट्रैक्टर का हो, ट्रैक्टर टायर का हो, फर्टिलाइजर का हो, औषध का हो, ये सब हम हटा देंगे।